हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योर सेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस मीशो फुटवेयर हॉल। आज के इस हॉल पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मीशो फुटवेयर। इस हॉल पे आपको ना सिर्फ फ्लैट्स, बेजेस, हील्स सब कुछ देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वैरायटी लेकर के आई हूँ मैं इस हॉल पे। लास्ट टाइम मैंने मीशो का फुटवेयर हॉल किया था और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पसंद आए भी क्यों ना, क्योंकि मीशो पे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग फुटवेयर मिलते हैं। सो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट कर उससे पहले मैं बता दूं कि सारे के सारे फुटवेयर गाइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक 450 रुपीज़ इज मैक्स। एक आध रुपए इधर उधर हो सकते हैं, लाइक अप डाउन हो सकता है। अदर देन 450 रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम मैंने पे किया है फुटवेयर के लिए, और 250 रुपीज़ से स्टार्ट है फुटवेयर। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियोज़ के लिए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के हॉल का जो हमारा फर्स्ट पेयर है वो कुछ इस टाइप से है। यू गाइस कैन सी दिस, ये मैंने ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में लिया है। इसके सिवा भी आपको इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने इसको ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में इसलिए लिया क्योंकि ग्रे एंड व्हाइट काफ़ी सोवर होता है, आपके हर जगह चल जाता है, हर आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छे से चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये स्लिप ऑन काइंड ऑफ फुटवेयर है। लाइक आप जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो बस आपको अपने पैर डालने हैं एंड आप रेडी हैं। अब बात करें इस फुटवेयर की, तो आप देख सकते हैं इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक रबर काइंड ऑफ मटेरियल है। तो आप लिटरली इसको हर सीजन पे कैरी कर सकते हैं और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलेगा, इतना जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। एंड फुटवेयर की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से मोल्ड हो जा रहा है। जितना चाहें आप इसको मोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये रबर सिंथेटिक काइंड ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, तो ये बहुत इजीली नहीं ख़राब होने वाला है गाइस। लॉन्ग टर्म तक चलने वाला पीस है ये। फ्रंट पे आप देखेंगे तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इसमें बहुत ही प्यारी सी कैट बनी हुई है, लाइक टेडी बियर काइंड ऑफ कैट बनी हुई है। एंड ये वाइट कलर पे बनी हुई है। देखने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि आप देखेंगे कि एक में एक कुछ गोल्डन कलर का बटन काइंड ऑफ चिपका हुआ है एंड एक में आपको वो गोल्डन बटन मिसिंग है। लाइक स्टोन वर्क है बट वो गोल्डन बटन मिसिंग है। मैंने बॉक्स में खूब सर्च किया कि मुझे मिल जाए तो मैं इसको चिपका लूँ। अब मेरे पास इसको निकालने के सिवा कुछ ऑप्शन नहीं बचता। बट इसकी वजह से ये फुटवेयर काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है, काफ़ी क्यूट एलिमेंट ऐड किया गया है, पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब बात कर लेते हैं कंफर्टनेस की, तो आप देखेंगे तो आपको इसमें 1/2 इंच का बेस मिलता है। लाइक इसका जो बेस है वो पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है जैसे कि फ्लैट्स में होते हैं। जिन फुटवेयर का बेस एकदम से फ्लैट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन करते हैं, बट इसमें आपको 1/2 इंच का बेस मिल जाता है जिसकी वजह से आपका फुट रेस्ट काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाता है। एज़ वेल एज इसका जो मटेरियल है ना वो सिंथेटिक रबर का मटेरियल है जिसकी वजह से ये इसमें थोड़ा सा कुशनिंग पार्ट ऐड हो जाता है। लाइक ये बहुत स्टिफ बहुत हार्ड नहीं है। मैंने इसके लिए प्राइस पे की है मात्र 270 रुपीज़ गाइज। एंड इसमें जो मैंने साइज़ ली है सारे के सारे फुटवेयर में मेरी साइज़ है इंडियन साइज़ में 4। नेक्स्ट जो मैंने फुटवेयर परचेज़ किया वो अगेन काफ़ी क्यूट काइंड ऑफ स्टफ है। यू गाइज कैन सी दिस, अगेन मैंने ये स्लिप ऑन काइंड ऑफ फ्लैट्स लिया है बिकॉज आई रियली लाइक स्लिप ऑन। यार झंझट नहीं होता, बस पैर डालो एंड निकल जाओ, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक इस टाइप के जो फुटवेयर होते हैं ना आप अपने ट्रैवलिंग में बीचेस वगैरह पे पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर में लिया है बिकॉज ऐसा कुछ कलर नहीं था मेरे फुटवेयर कलेक्शन में, बट दे हैव अ मैनी कलर ऑप्शन एज वेल एज आप चाहें तो वेज कलर भी ले सकते हैं, पिंक कलर भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं इस फुटवेयर की, सो यू गाइस कैन सी दिस, फ्रंट पे आपको काफ़ी अच्छा बो काइंड ऑफ मिल जाता है। लाइक ये जो बो बनाया गया है वो सैटन क्लॉथ से बनाया गया है एंड काफ़ी अच्छे से इसमें चिपकाया गया है। यदि निकल भी जाता है तो आप फेविक्विक वगैरह से या फिर स्टिच करवा सकते हैं। सो आप मोची की हेल्प से इसको काफ़ी अच्छे से स्टिच करवा सकते हैं। आई रियली लाइक दिस बो काइंड ऑफ पैटर्न। जिस भी फुटवेयर पर बो काइंड ऑफ पैटर्न होता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने में क्यूट एंड क्लासी लगता है सेम ही टाइम पे। ये भी रबर सिंथेटिक काइंड ऑफ मटेरियल है, लाइक बहुत ही सॉफ्ट सिंथेटिक का मटेरियल है जिसकी वजह से आपका फुट तो बिल्कुल भी पेन नहीं करने वाला है। एज वेल एज आप देखेंगे तो इसका भी बेस एकदम से फ्लैट नहीं है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे चलने वाला फुटवेयर है। आप इसको रेनी सीजन पे, पानी पे, बीचेस पे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ये सैटन का कपड़ा गीला हो जाएगा, बट जैसे ही आप इसको धूप में रख देते हैं या फिर हवा वगैरह पे रख देते हैं तो ये ईजिली ड्राई हो जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। पीछे से भी इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसकी वजह से ये काफी अच्छे से चिपक के चलता है। स्लिप होने का बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइस वो की है 273 रुपीज़। इसमें भी जो साइज मैंने ली है वो ली है 4।
नेचुरल फुटवेयर मैंने परचेस किया है वो बेस हील काइंड ऑफ कैटेगरी से परचेस किया है एंड यू गाइस कैन सी दिस बहुत ही प्यारा व्हाइट कलर में मैंने ये फुटवेयर परचेस किया है एंड व्हाइट कलर के फुटवेयर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एंड ये लगते भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं पहनने के बाद। अब बात करें इस वेजेस सैंडल की तो आप देख सकते हैं आपको ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर में मिलता है और ये मैट फिनिशिंग वाला व्हाइट नहीं है, लाइक इसमें हल्का सा आपको साइन मिल जाता है। काफ़ी फ्रंट में आपको काफ़ी चौड़ी सी बैंड मिलती है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। बैक साइड से आपको कुछ भी नहीं मिलता, लाइक ये भी स्लिप ऑन काइंड ऑफ वेजेस है, आप अपना पैर डालें और आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं। एंड इसका जो बेस है वो व्हाइट का है एंड नीचे का जो कलर है वो बेस का कलर है, आप देख सकते हैं। अब बात करें इसकी कम्फर्टनेस की तो ये जो पार्ट है लाइक यहाँ पे कुशन दिया गया है, बहुत ज़्यादा कुशनिंग नहीं है ऑनेस्टली आई एम सेइंग, तो बट आपको हल्की कुशनिंग मिल जाती है। तो यदि आप अपने फुटवेयर को लेके बहुत ही ज़्यादा कैप्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं कि आपको अच्छी खासी कुशनिंग ही चाहिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। बट यदि आपको थोड़ा बहुत कुशनिंग चल जाता है, लाइक आप थोड़ी सी कम्फर्टनेस में समझौता कर लेते हैं तो आप ये वाला वेजेस ले सकते हैं। पहनने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है एंड इनकेस यदि आप शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें लाइक 3 inches समथिंग की हील हाइट दी गई है। लाइक आपको इसमें 3 inches समथिंग का इसका मोटा सा बेस है जो कि आपको एक हील हाइट प्रोवाइड कराएगा एज वेल एज ये वेजेस है तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनको हील पहनना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है बट वो फिर भी एक हाइट चाहते हैं तो इस टाइप के वेजेस ले सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइज वो की है 382 rupees। एंड इसमें कलर ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको मैनी मोर कलर ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक यदि आप ब्लैक में लेना चाहते हैं तो ब्लैक भी अवेलेबल है, बेज में लेना चाहते हैं बेज अवेलेबल है, ब्राउन में लेना चाहते हैं ब्राउन अवेलेबल है एज वेल एज पिंक, बहुत सारे कलर ऑप्शन है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने पीस ली है वो अगेन वेजेस सैंडल काइंड ऑफ कैटेगरी से लिया है एंड यू गाइस कैन सी दिस कुछ इस टाइप से मैंने लिया है एंड ये थोड़ा सा पार्टी वियर काइंड ऑफ पीस है। लाइक आप शादी वगैरह पे जाना चाहते हैं, किसी पार्टीज वगैरह पे जाना चाहते हैं तब भी इसको कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो बैंड है वो काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसका बैंड है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा मैंने देखा था इसको ऐप पे, वैसा नहीं है। लाइक इसका जो बैंड है ना इसमें आपको थोड़ा सिल्वर हिंट आता है, इसमें जो ब्लिंगनेस है वो सिल्वर कलर के हैं, पिंकेस्ट सिल्वर मिक्स काइंड ऑफ कलर है। बट जब मैंने ऐप पे देखा था तो ये मुझे पूरा पिंक दिख रहा था, लाइक पिंक कलर में थोड़ी सी ब्लिंगनेस थोड़ी सी चमक दिख रही थी। बट ये वैसे सिल्वर टोन में भी ख़राब नहीं है क्योंकि ये पूरा सिल्वर कलर का होता तो मे बी अच्छा नहीं लगता, बट इसमें थोड़ा सा पिंक टोन है जो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इस पिंक कलर के साथ। अब बात करें इस वेजेस की तो आपको यहाँ पे मोटा सा बैंड मिल जाता है जिसे सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ आपको बेस मिल जाती है जो थोड़ी लाइट कलर की है एंड ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है वो काफ़ी अच्छा पिंक कलर का है। इसमें भी आपको 3 inch से ज़्यादा का हील हाइट मिलता है और ये यहाँ पर हम कम्फर्टनेस की बात करें तो इसमें भी आपको व्हाइट कलर का जो वेजेस है उतना ही कम्फर्टनेस मिलेगी, लाइक हल्का सा कुशनिंग है तो आप बहुत ज़्यादा कैप्टिकल हैं कुशनिंग के लिए तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अदर देन यदि आप थोड़ा बहुत समझौता कर लेते हैं कम्फर्टनेस के साथ तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसमें आपको कोई भी कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा, लाइक ये सिंगल कलर ऑप्शन ही अवेलेबल है। सो इस हॉल का सबसे ज़्यादा कॉस्टली फुटवेयर है ये, लाइक इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइस वो की है 465 rupees। सो मैक्सिमम जो मैंने पे किया है इस हॉल के लिए वो किया है 465 rupees एंड कैन यू बिलीव आपको 465 लाइक 500 rupees भी आप पे नहीं करते और आपको एक पार्टी वेयर ऑप्शन मिल जाता है, लाइक आपको एक पार्टी वेयर फुटवेयर ऑप्शन मिल जाता है। सो आई रियली लाइक दिस फुटवेयर। नेक्स्ट जो फुटवेयर मैंने परचेस की वो थोड़ी सी फ्लैट कैटेगरी की परचेस की है जो कि ये है। तीनों चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, दैट्स वे मैंने इसको परचेस किया। इस टाइप के फुटवेयर यदि आप मिंत्रा या फिर जारा वगैरह से या फिर H&M वगैरह पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी एंड वहाँ से आप लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट मीशो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिल गया था। सो बात कर लेते हैं इस फुटवेयर की। सो आप देख सकते हैं ये फ्लैट काइंड ऑफ कैटेगरी का फुटवेयर है जिसमें आपको इस टाइप से मोटा सा बैंड मिलता है, फ्रंट पे आपको काफ़ी थिक बैंड मिलता है जिसकी वजह से सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है एंड इसमें गोल्ड कलर का हार्डवेयर लगाया गया है, लाइक गोल्ड कलर का चैन लगाया गया है जिसकी वजह से पूरे फ्लैट का जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होकर के आ रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं इसके कुशनिंग की तो मैं आपको शो कर देती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको कुशनिंग दी गई है जो कि थोड़ा सा दब रहा है, जब मैं इसको एज ए प्रेस करती हूँ ना तो ये काफ़ी अच्छे से प्रेस हो जाता है तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल जाती है। लाइक इतना अफोर्डेबल रेट पे इतना स्टाइलिश फुटवेयर मिल रहा है एज वेल एज
इसमें काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिल रही है। लास्ट टाइम मैंने अजियो के फ्लैट्स हॉल किए थे एंड मैंने काफ़ी महंगे महंगे फ्लैट्स लिए थे, 500-700 रुपीज़ तक के फ्लैट्स लिए थे, बट उनमें भी मुझे ये कुशनिंग नहीं मिल रही थी। बट ये काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक उससे हाफ प्राइस मैंने इसके लिए दिया है एंड यहाँ आपको कुशनिंग मिल जाती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी एंड साथ ही साथ ये पूरी तरीके से फ्लैट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ लास्ट में आपके हील के साइड पे ना थोड़ा सा बेस मिल जाएगा, लाइक आपको हाफ इंच समथिंग का बेस मिल जाएगा, जिसकी वजह से एकदम से आपका फुट पेन नहीं करता। जो फ्लैट होते हैं उनमें आपका फुट बहुत ईजिली पेन करने लगता है, बट इसमें आपका फुट पेन नहीं करेगा क्योंकि अलग से आपको थोड़ा सा बेस मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। सो आई रियली लाइक दिस फ्लैट, लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, लाइक 3-4 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत अच्छा एक ब्राउन टोन भी था एंड जिसमें एक बहुत ही प्यारा ब्राउन टोन है, पिंक टोन है एज वेल एज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वाइट है, बट मैंने इसको इस कलर में ग्रैब किया बिकॉज ये थोड़ा सा हटके लग रहा था एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस फ्लैट्स के लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइज वो की है 283 रुपीज़। सो गाइज नेक्स्ट जो हमारा फुटवेयर है वो कुछ इस टाइप से मैंने मोजरी काइंड ऑफ पैटर्न पे लिया है, यू गाइज कैन सी दिस। और मैंने इसको सिंपली ब्लैक टोन पे लिया था। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्लू, बहुत सारा कलर, बट मैंने इसको प्लेन ब्लैक कलर में लिया था। बट मुझे कुछ इस टाइप से ब्लू के साथ में ये रिसीव हुआ है, लाइक आप एक देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर का हिंट है, ब्लू कलर से समथिंग इसमें कुछ लाइनिंग का एंड अप बनाया गया है, स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आया। मुझे मैंने जब इसको देखा था ये मुझे प्लेन ब्लैक कलर में दिखा था, हालांकि उतना बुरा नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्लू एंड ब्लैक आपस में मिक्स एंड मैच होकर के काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एंड इसका जो मटेरियल है वो शाइनी काइंड ऑफ मटेरियल है, जो पहनने के बाद थोड़ा सा क्लासी दिखता है एंड फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप से गोल्ड कलर की चैन डिटेलिंग मिल जाएगी। तो यदि ऑफिस कॉलेज गोइंग गर्ल हैं आप तो आप इसको ले सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। एंड बात करें इसके कम्फर्टनेस की तो आपको इसमें लिटिल बिट कुशनिंग भी मिलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका जो बेस है वो स्टिफ है, इसमें हल्की सी कुशनिंग है तो आपका जो पैर है सो आपका जो फुट है इतना ज़्यादा दर्द नहीं देने वाला है। सो ओवरऑल ये मुझे ओके काइंड ऑफ पीस लगा। गाइस इसमें जो मैंने साइज़ ली है वो इंडियन में 5 लिया है एंड इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की वो किया है 270 रुपीज़। सो गाइज ये सारे फुटवेयर थे जो कि मैंने मीशो से परचेस किया है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद है और आपके लिए यूजफुल रहा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल एज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड यदि आपको मीशो के हॉल देखना पसंद है, लाइक इस चैनल पे आपको मीशो के बहुत सारे एंड बहुत सारी वैरायटीज़ के हॉल देखने को मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, तो आप वो सारे वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, खुद से खुद को ग्रूम करती रही गई जो कि है हमारा मोटिव एंड बाय।